परिसंपत्तियां, एसेट या कष्टप्रद बोझ। सन 1987 में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड पर एक केस स्टडी लिखने के बाद मैं परिवर्तन प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ चेंज कोर्स की कक्षा में रचनात्मक सोच पर एक अभ्यास करा रहा था। स्कूटर्स इंडिया उस समय टू व्हीलर स्कूटर पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। नए विचार उत्पन्न करने के लिए मैंने विक्रम थ्री व्हीलर का उदाहरण लिया, जिसे मैंने बदलाव के साधन के रूप में सुझाया था। दोनों वाहनों के निर्माण के लिए एक ही संयंत्र और मशीनरी का इस्तेमाल किया जा सकता था। मैंने सवाल पूछा, विक्रम क्या है? यह एक ऑटो रिक्शा था जो आसानी से 8 व्यक्तियों को बैठा सकता था और 32 किलोमीटर प्रति लीटर डीजल की ईंधन क्षमता से चलता था, जो इसे सबसे किफायती यात्री परिवहन वाहन बनाता था। जब मैंने एक संकेत दिया तो छात्र इसे एक वातानुकूलित यात्री कार में परिवर्तित करने के बारे में सोचने लगे। ज्यादा मूल्य और खर्चीली होने के कारण उन दिनों कारें बहुत प्रचलन में नहीं थी। कुछ और बढ़ावा देने पर वे इसे कुछ और अनुलग्नकों में लगाकर शहर से गांव के लिए कम लागत वाले मालवाहक वाहन के रूप में देखने लगे, जो गांव से शहर में दूध, सब्जी, अनाज का सामान ले आ सकता था और किराने का सामान गांव तक ले जा सकता था। पहियों पर एक सवाल ने एक स्थिर वाहन के विचार को जन्म दिया, जिसे गांव में मनोरंजन, मोबाइल लाइब्रेरी, मोबाइल शौचालय, थ्रेशर, सिंचाई के पंप के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी को आश्चर्य था कि विदेशों से आयात किए इस डिजाइन को एक शानदार व्यवसाय में परिवर्तित किया जा सकता है अगर केवल हम में सुधार लाने की क्षमता और जज्बा हो। डॉक्टर सहाय ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड टर्न अराउंड 3 पहिया वाहनों पर ध्यान केंद्रित करके ही किया। परिसंपत्ति एसेट केवल साधनों की उपलब्धता नहीं होती है, संसाधनों का उचित प्रयोग करने की उसकी प्रबंधकीय क्षमता उन्हें परिसंपत्त बनाती है। शायद हमें परिसंपत्तियों की प्रबंधकीय अवधारणा बदलने की आवश्यकता है। परिसंपत्ति की लेखा अवधारणा का उपयोग करने के बजाय परिसंपत्ति की प्रबंधकीय अवधारणा इसका उपयोग करने की क्षमता होती है। संसाधनों को विकसित करने और कुछ उपयोगी एवं वांछनीय सार्वजनिक वस्तुएं व सेवा प्रदान करने के लिए उन्हें इस्तेमाल करने की क्षमता के बिना संसाधनों की उपलब्धता या अधिग्रहण परिसंपत्ति नहीं बनती है। इस क्षमता के बिना संसाधन एक कष्टप्रद दायित्व, देनदारी या बोझ हो सकता है। यह सभी संसाधनों पर लागू होता है, चाहे वह वित्तीय हो, भौतिक, मानव, संगठनात्मक या नेटवर्क संसाधन हो। इस क्षमता के बिना संसाधनों की प्रचुरता के रहते हुए भी
कोई संसाधन या कोई संस्थान या देश प्रगत एवं समृद्ध नहीं प्राप्त कर सकता। यदि इसका प्रयोग नहीं किया गया तो यह एक बड़ी कष्टप्रद दायित्व, देनदारी और बोझ भी बन सकती है। यदि गलत इस्तेमाल किया जाता है तो वह एक आपदा भी हो सकती है। भारत को भगवान द्वारा दिए मानव संसाधन को परिसंपत्तियों में परिवर्तित करने के मामले में एक बड़ी चुनौती का सामना करना है। मानव संसाधन केवल भौतिक अंग नहीं है जिसे केवल श्रमिक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मानव संसाधन में मस्तिष्क भी है और हृदय भी, जो इसे उपयोगी एवं वांछनीय सार्वजनिक वस्तुएं या सेवाएं निर्माण और प्रदान करने की क्षमता देती है। सरकार को केवल रोजगार देने के सोच के बजाय, जो देश सभी के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, को युवाओं को परिसंपत्ति के रूप में सोचना और देखना और विकसित करना होगा।